शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मोर पंख वाला तुम? प्रेम में समझना व्यर्थ होता है, इसलिए समझना तो आपको है काकी। मोरपंखी बालक, अब तुम ही समझाओ अपनी तुलसी को, हमारी तो ये सुनती ही नहीं। वो इसलिए काकी क्योंकि आप भय की बात करती है, जबकि तुलसी भक्ति की सुनती है। अरे तो भक्ति करे ना, किसने इसे रोका है? और वो त्रिकुण सोलंकी, यदि भगवान कृष्ण भी आपकी तरह भयभीत होते तो कभी भी अर्जुन और सुभद्रा का विवाह नहीं हो पाता। और इतना ही नहीं, यदि महाबली हनुमान यक्ष से डरते तो सुग्रीव का प्रेम विवाह रोमा से नहीं हो पाता। इसलिए तुलसी को बिना डरे मथुरा जाने दीजिए, क्योंकि तुलसी मथुरा जाएगी तभी तो मनोहर और मृदुला का विवाह होगा। अब तो आपको यकीन हो गया ना मौसी, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, बस अपने धर्म का पालन कर रहे। तुलसी, तुम्हारा धर्म धर्म और मेरा धर्म कुछ नहीं। अरे मैं करूं भी तो क्या करूं, मेरी यहाँ कोई सुनता ही नहीं। मौसी, मोरपंखी बालक, अच्छा हुआ जो तुम आ गए, वरना मौसी से अपनी बात मनवाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ती। आता कैसे नहीं तुलसी, तुम इतना आवश्यक कार्य जो करने जा रही हो, इसलिए जाओ तुलसी, शीघ्रता करो, अब और देर मत करो। हे पितृ शिरोमणि, ये सारी असुरी आत्माएं आप ही के कुल की हैं, सुनिए इनकी पुकार को, सुनिए इनके कष्ट को। कई युगों से ये सारी असुरी आत्माएं इसी प्रकार दुखी हैं। यदि आज आपने इनको मुक्ति नहीं दिलाई तो ये संसार आपको कुलद्रोही कहेगा। अपने ही कुल का विनाश करने वाले के नाम से जाने जाएंगे आप पितामह? पूतना, मेरा एक ही कुल है, मेरा एक ही कुल है, धर्म का कुल, धर्म का कुल। मेरा एक ही वंश है, भक्ति का वंश, भक्ति का वंश। मैंने अपने वंशजों को यही सीख दी थी कि सदैव भक्ति के मार्ग पर चलें। पर जिन्होंने मेरी सीख को नहीं अपनाया, जिन्होंने भक्ति का साथ छोड़कर अधर्म का मार्ग अपनाया, उनको तो ये दंड मिलना ही था। नहीं परमपिता प्रहलाद, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। आपके जो जो भी वंशज जिन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया, उनके साथ भी तो छल ही हुआ, अन्याय हुआ। आपके पुत्र विलोचन, वो तो इतने बड़े भक्त थे, किंतु इंद्र ने उसे अपने छल से भस्म कर दिया, केवल इसीलिए कि कहीं वो देवताओं का स्थान ना ग्रहण कर ले। और मेरे पिता महाराज बलि, मेरे पिता ने कौन सा अधर्म किया था? उनके समान तो तीनों लोकों में कोई दानी नहीं था, किंतु फिर भी उन्हें क्या भोगना पड़ा? पाताल की यातना है कोई उत्तर आपके पास पितामह? पूतना, मेरा एक ही विश्वास है कि नारायण जो भी करते हैं इस संसार के हित के लिए करते हैं। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस विष्णु ने आपको मोक्ष प्रदान कर दिया है, किंतु उन असुरों का क्या जो जीवन मृत्यु के चक्र में आज भी फंसे हुए हैं? उनका क्या जो इस नर्क कूप में बंदी है? ये उनके अधर्म का फल है पूतना, जो उन्हें भोगना ही होगा। हे असुर कुल के उद्धारक, यदि कुछ असुरों ने अधर्म किया है तो बहुतों ने धर्म भी किया है, हमें उस धर्म का फल दीजिए, हमारे साथ न्याय कीजिए, हमें इस नर्क कूप से मुक्त कीजिए, हमें धर्म पर चलने का एक और अवसर दीजिए पितामह। पूतना, अपने भक्ति के कारण अपने असुर कुल की एक बार केवल सहायता कर सकता हूं मैं। बोलो क्या चाहती हो तुम? तो?
चलो मनोहर, हमें तुरंत मथुरा पहुंचना होगा। तुलसी, मुझे नहीं पता था त्रिगुन सोलंकी तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन है, नहीं तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। अब मौसी नहीं तो तुम लेकर बैठ गए मौसी की बातों को। पर मौसी कह तो सही रही है ना, मेरे प्रेम की बात है, मुझे अकेले मथुरा जाना चाहिए। नहीं मनोहर, अब ये तुम्हारे अकेले की लड़ाई नहीं है, ये प्रेम की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है। भगवान श्री राम के सम्मुख लिए गए वचन की लड़ाई है, और इसमें ये लड्डू गोपाल की भक्त तुम्हारे साथ है, इसलिए अब देरी मत करो, चलो हमारे साथ। मौसी, अब क्या हुआ? अरे मुंह बोली ही सही, पर मौसी हूं मैं तुम्हारी, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही हो, बिना दही गुड़ खिलाए कैसे भेज सकती हो? मौसी, मतलब आप भी? सिर्फ मैं नहीं, पूरा गोरबा गांव है तुम्हारे साथ, तुम्हें कभी भी जरूरत लगे तो हमें बता देना। लो ये दही गुड़ खाओ, इससे तुम्हारे सारे काम शुभ शुभ होंगे। जय लड्डू गोपाल। जय लड्डू गोपाल। कभी कभी तो लगता है लड्डू गोपाल ने इसे ही चुना है अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए। जय लड्डू गोपाल। तुलसी, ये तुम्हारी नहीं मेरी लड़ाई है, ये तुम्हारी नहीं मेरी वो यात्रा है, जिसे मैं द्वापर काल में पूर्ण नहीं कर पाया था, इसलिए ये यात्रा तुम्हारे अब तक की यात्रा से पूर्णतः भिन्न होगी, क्योंकि इस यात्रा में सौंदर्य की देवी का दुख है तो काम के देवता के जीवन का संग्राम है, इस यात्रा में वचन की रक्षा है, विचारों की लड़ाई है, प्रेम का संबंध है जिसे तुम्हें जोड़ना है, और कामदेव को मिले श्राप दूर करना है तुझसे, और सबसे बढ़कर तुम्हें इस यात्रा में प्रभु श्री राम की मर्यादा और उनके वचन का मान रखना है, संसार में स्थापित कर देना है कि सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम चुर चुक पानी, अर्थात प्रभु श्री राम और देवी जानकी के सम्मुख लिया हुआ वचन कभी रिक्त नहीं जाता। बताओ पूतना, किस प्रकार से तुम्हें इस बात का आभास होगा कि असुर कुल के साथ अन्याय हुआ है? बताओ क्या सहायता कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? हे भक्त शिरोमणि, यदि आप हम असुरों के साथ हुए अन्याय को न्याय में परिवर्तित करना चाहते हैं, यदि आप हम असुरों को अधर्म से धर्म के मार्ग पर चलने के लिए एक और अवसर देना चाहते हैं, तो मुक्त कर दीजिए इस नरक कूप में बंधी सभी असुरी आत्माओं को। उतना मेरे पास मेरे प्रभु की भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें आज अपने भक्ति का वही फल प्रदान करूंगा, और भक्ति से नरक भी स्वर्ग में बदल जाता है, यही भक्ति तुम सबको नरक कूप से मुक्त करेगी। पर स्मरण रखना पूतना, हमारे कुल में भक्त परंपरा चलती आ रही है, और मैंने भक्ति की रक्षा के लिए अपने कुल का त्याग कर दिया था, यदि यहां से मुक्त होने के पश्चात तुमने कोई अधर्म किया, यदि भक्त भगवान और भक्ति के लिए तुम संकट बनी, तो तुम पुनः इस नरक कूप में लौट आओगी, और तुम्हारी मुक्ति कभी नहीं हो पाएगी। हे भक्त शिरोमणि, मेरा युद्ध भक्ति के विरुद्ध नहीं अपितु असुरों के अस्तित्व के लिए है, मैं भक्ति के साथ अन्याय नहीं अपितु असुरों को न्याय दिलाना चाहती हूँ, इसीलिए निसंकोच होकर मुझे अपनी भक्ति का फल प्रदान कीजिए पितामह। मैं पूतना आपको वचन देती हूँ कि मैं इसका दुरुपयोग कदापि नहीं करूंगी। ठीक है पूतना, मैं तुम्हें अपनी भक्ति का वो फल प्रदान करता हूँ जिससे तुम और ये सभी असुरी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।